नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गौतम एकेडमी में। तो आज हम एलटी का जो पेपर है तो उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है एलजेब्रा, तो एलजेब्रा में मैंने पहले वाले वीडियो में थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ एक्सरसाइज बाकी है, उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है ग्रुप के बारे में, थ्योरी ऑफ ए ग्रुप, ठीक है ना। तो ये ग्रुप से भी तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो केवीएस हो, पीआरटी के जितने भी हो, टीजीटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रुप से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, ग्रुप आसान चीज है, थोड़ा समझना होता है, इसमें थ्योरी है, थ्योरी को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ग्रुप एंड थ्योरी ऑफ ए ग्रुप। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज ए ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, कैसे इसमें बाइनरी ऑपरेशन काम करता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ग्रुप देखिएगा, कोई भी ग्रुप, कोई भी सेट को हमें ग्रुप क्या कहना है, ग्रुप कहना है। किसी भी सेट को अगर मुझे ग्रुप कहना है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट है एस, एस हमारे पास कोई सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आइए इसके बारे में देखते हैं। ग्रुप कोई भी सेट है हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी सेट है, उस सेट को मुझे ग्रुप कहना है कि ये ग्रुप है। तो किसी भी सेट को, ए नॉन एम्प्टी सेट इज द सेट टू बी द ग्रुप इफ ओनली इफ, अगर वो चार कंडीशन को होल्ड करता है, कोई भी सेट ले लो, कोई भी सेट ले लो, उसमें अगर ये चार प्रॉपर्टी होल्ड होता है, ये कंडीशन होल्ड हो जाती है, तो हम उस सेट को ग्रुप कहेंगे, ठीक है। कोई भी अगर सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट इज अ सेट टू बी द ग्रुप इफ ओनली इफ सर्टिफाइड फॉर द दिस फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। चार हमारे पास कंडीशन होती है, अगर वो चार कंडीशन कोई भी सेट होल्ड करता है तो हम उसको ग्रुप कहते हैं। आइए देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज, क्लोज क्या होता है, कोई भी उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी दो एलिमेंट उठाया मैंने, ए और बी, ठीक है, ए और बी उठाया मैंने और उसमें ऑपरेशन लगाया, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है दोस्तों। बाइनरी ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों काम करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, बट हमारे पास अभी दोनों हो सकता है, इसलिए हमने ऑपरेशन बताया, ये ऑपरेशन दो उसमें हो सकता है। ये ऑपरेशन भी अगर बिलोंग करता है जी एलिमेंट के, मतलब ये ऑपरेशन भी हमने लगाया, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, जब हमने ए प्लस बी को ऐड किया या मल्टीप्लाई किया, जिससे जो रिजल्ट आया वो उसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ही रिजल्ट हो, उसी से बिलोंग करता हो, तो हमने कहा कि वो क्या होगा, क्लोज होगा। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास तीन ऑपरेशन है, ए बी सी तीन एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होता है, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। इसमें तीन एलिमेंट किसी भी ग्रुप से उठाए हमने और इसमें डाल दिए, एसोसिएटिव है। तो अगर एसोसिएटिव होता है, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है, तो वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एंड आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी भी सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होता है, एक ही होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट की एक खासियत होती है कि उस आइडेंटिटी एलिमेंट को उसके अपने सेट से में ऑपरेशन लगाया जाए तो वही एलिमेंट वापस दे देगा। मान लीजिए हमारे पास E, कोई इसमें E क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा,
इस आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर हम अपना ऑपरेशन लगाते हैं, ए ऑपरेशन ई, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो रहा है। अगर ए ऑपरेट ई इक्वल टू ए आ रहा है, मतलब कोई इसमें फर्क नहीं आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हमने ऑपरेशन लगाया, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब हमने ऑपरेशन लगाया कोई इसमें चेंज नहीं आया, तो हमने ये कहा कि जो हमने एलिमेंट का यूज किया वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। एंड लास्ट है इनवर्स। एक सेट में अपना एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का अपना एक क्या होता है, इनवर्स भी होगा, कहीं ना कहीं इसमें इस एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, कहीं ना कहीं इसमें इस एलिमेंट का क्या होगा, इनवर्स होगा। अगर हम किसी भी अपने एक पार्टिकल का उसी के एक इनवर्स से ऑपरेशन लगाया जाए और वो आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, तो हम उसको कहेंगे दैट इज इनवर्स फॉर दिस पार्टिकल। नाउ ए, मान लीजिए कि हमने उस ग्रुप का एक एलिमेंट लिया ए इनवर्स, अगर हमने ए इनवर्स को उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, तो हमने ये देखा कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। इसका मतलब एक इनवर्स अपने इनवर्स के साथ जब भी ऑपरेट होता है तो वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, तो इसको हमने कहा दैट इज अ इनवर्स, मतलब ये इसका इनवर्स होगा, ठीक है। जब ये एलिमेंट इस अपने एलिमेंट के साथ इनवर्स के साथ ऑपरेट होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, मतलब ये वो उसका क्या होगा, आइडेंटिटी मतलब उसका इनवर्स होगा। कोई भी कंडीशन, कोई भी ग्रुप चार प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करती है तो उस सेट को हमने क्या कहा, दैट इज अ ग्रुप। आपको ये बात ध्यान रखना है कि ग्रुप दो बाइनरी ऑपरेशन पर काम करता है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइजेशन। अब आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा इसमें यह भी आता है कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। अबेलियन ग्रुप, किसी भी ग्रुप को अबेलियन ग्रुप कहने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है, अगर वो ग्रुप, कोई भी अगर हमारे पास ग्रुप है, ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ये तो ग्रुप ग्रुप होता है, बट इसके साथ साथ अगर कोई एक पांचवी प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, कौन सी, कॉमुटेटिव लॉ। व्हाट इज द कॉमुटेटिव लॉ, ए ऑपरेशन बी लगाया हमने और दूसरा हमने बी ऑपरेशन ए लगाया, वो इक्वल है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन सी, अगर वो ऑपरेशन इक्वल है तो हमने उसको कॉमुटेटिव लॉ कहा, ठीक है। कोई भी ग्रुप अगर कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो अबेलियन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन सी, तो दैट इज ए अबेलियन ग्रुप। इसी के साथ हमारे पास अब है कंपोजिशन टेबल। देखिए कंपोजिशन टेबल क्या होती है, किसी भी सेट को ग्रुप कहने के लिए मैंने कहा कि चार प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए तो वो ग्रुप कहलाता है। कंपोजिशन टेबल के माध्यम से हम ये भी कहते हैं कि वो भी बताता है कि कोई भी सेट क्या होगा, ग्रुप होगा। कैसे, कंपोजिशन टेबल जब हम बनाते हैं, किसी भी सेट का कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, तो उसमें विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन या एडिशन, ठीक है ना, तो दो बाइनरी ऑपरेशन पर काम करता है। तो अगर हमारे पास कोई सेट है, सेट को मुझे कंपेरिजेशन मेथड के द्वारा कंपोजिशन टेबल के द्वारा मुझे ये बताना है कि हमारा जो सेट है वो ग्रुप है, तो इसके लिए हमारे पास कंपोजिशन टेबल होती है। कैसे बनाते हैं, कैसे, उसमें हम क्या बताते हैं कि क्लोज होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए और कॉम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट द सेट ऑफ द क्यूब रूट इज ए अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एक क्यूब रूट होता है, देखिए क्या होता है क्यूब रूट, हमारे पास कोई सेट है एस, ठीक है, एस है जो कि क्यूब रूट है, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास कोई सेट है, यहाँ पे लिखा है क्यूब सेट, क्यूब रूट का सेट है वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसको मुझे अबेलियन ग्रुप कहना है। अबेलियन ग्रुप कहने का मतलब क्या होगा, वो ग्रुप भी होना चाहिए तभी वो जाके अबेलियन ग्रुप होगा। इससे पहले जो अभी मैंने बताया है कि अबेलियन ग्रुप करने के लिए हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम
कंपोजिशन टेबल के माध्यम से इसको बताते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचनी है जो ये एलिमेंट दिए हैं, इस एलिमेंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसको लोग ओमेगा भी कहते हैं, डब्ल्यू भी कहते हैं, तो सब चलता है इसमें, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसको भी हम वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख पूछ रहा है कि अबेलियन ग्रुप होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, जो भी ऑपरेशन लगेगा वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। नाउ स्टार्ट फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन। नाउ द वन मल्टीप्लाई वन वन, वन मल्टीप्लाई बाई ओमेगा ओमेगा, एंड वन मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ओके दियर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। नाउ ओमेगा का इसमें मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा इंटू वन ओमेगा, एंड ओमेगा देखिए ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा ओमेगा की पावर थ्री। देखिए जब ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा की पावर क्या बनाएगा, थ्री बनाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। मैथमेटिक्स में ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वन। ओमेगा स्क्वायर का वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के साथ अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर क्यूब, और उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। एंड ओमेगा की पावर इससे करेंगे ऑन क्या आ जाएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं। उससे पहले ये ग्रुप है या नहीं, आइए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज, क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब ये होता है कि दो उसके दो एलिमेंट को पकड़ो, उसके साथ ऑपरेशन करवाओ, कहीं ना कहीं जो एलिमेंट जो रिजल्ट आएगा वो उसी ग्रुप का होगा। देखिए कैसे, ये एलिमेंट को हमने पकड़ा, कोई भी एलिमेंट को पकड़ो और इस एलिमेंट को पकड़ो, हमने इसका मल्टीप्लीकेशन किया, क्या आया, ओमेगा। उसी एलिमेंट का है ना, उसी एलिमेंट का है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्लोज होगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर को पकड़ो, ओमेगा को पकड़ो, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा का विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो क्या आ रहा है, आंसर वन आ रहा है। इसका मतलब क्या आएगा कि जब भी किसी उसी एलिमेंट के जब हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर क्या आया, वही एलिमेंट आ रहा है जो उसके सेट में है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्लोज होगा। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। जब कोई भी प्रॉपर्टी क्लोज होती है तो एसोसिएटिव भी होती है। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ अगर हमने मल्टीप्लाई किया, वन आया, और इसी एलिमेंट को किसी अलग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। नाउ द आइडेंटिटी एलिमेंट, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो कि अपना एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ दे दे, ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है, जो ये वन है ना, जो ये वन है, जब वन ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या दे रहा है, ओमेगा दे रहा है। ए ऑपरेशन ई जब हम लगाते हैं, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, वो दे क्या क्या देगा, वही आंसर देगा। इसका मतलब जब ओमेगा को हमने वन के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या दिया, ओमेगा दिया। जब ओमेगा स्क्वायर को वन के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या, ओमेगा स्क्वायर दिया। इसका मतलब ये जो ये वन है ना, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये वन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी होल्ड करता है। एंड इनवर्स, इसमें कहीं ना कहीं इसका इनवर्स भी होगा जो कि इसके एलिमेंट के साथ होगा। एंड कॉमोटेटिव लॉ, व्हाट इज द कॉमोटेटिव लॉ, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। ठीक, आइए चेक करते हैं। देखिए ओमेगा स्क्वायर को पकड़ो, ओमेगा ऑपरेशन ओमेगा, दैट इज अ देखिए, या और भी देख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को जो हमने किया, आंसर क्या है, वन आया ना, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को किया, आंसर क्या है, वन आया। इसी का उल्टा, ओमेगा ऑपरेशन ओमेगा स्क्वायर जो हमने किया तो वन आया। अब मुझे ओमेगा स्क्वायर ऑपरेशन ओमेगा करना है, ओमेगा स्क्वायर ऑपरेशन ओमेगा करना, क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, ठीक है। ओमेगा ऑपरेशन ओमेगा स्क्वायर लगाया, वन आया ना, ओमेगा स्क्वायर वन,
और फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन आ रहा है। इसका मतलब ये जो सेट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। इसका मतलब ये चारों प्रॉपर्टी को अगर होल्ड कर रहा है, क्लोज एसोसिएटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये चार ये पांच प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसका मतलब वो सेट क्या होगा, दैट इज अबेलियन ग्रुप, दैट इज अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अगर कोई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो हमने कंपोजिशन टेबल के यूज से हमने देखा कि किसी भी सेट को हम ग्रुप कह सकते हैं, किसी भी सेट को हम अबेलियन ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आने वाली वीडियो में हमने अभी आपको हमने ग्रुप और कंपोजिशन टेबल पढ़ाया, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सब ग्रुप के बारे में। ठीक है, नॉर्मल होता है एंड यहाँ पर आपका सब ग्रुप की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, परम्यूटेशन भी होता है, ये सब हमने पढ़ाएंगे जो कि LT के सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।